Good morning, class 3rd. Today we will start a new chapter, 3rd, parts of a plant. हम साइंस के क्रिस्टल के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. ओके, हम इस चैप्टर में प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनका रोल क्या होता है, उनका फंक्शंस क्या होते हैं, वो कैसे यूज में आते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, यहाँ पे आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस टाइप से है, लिस्ट नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. आपको एक लिस्ट बनानी है, उसमें नेम करने कौन कौन से प्लांट के पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या रोल्स होते हैं. सेकेंड पॉइंट है रिकॉग्नाइज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट वी ईट. आपको पार्ट के नाम बताने जो आप खाते हो, ठीक है. थर्ड है डिस्क्राइब हाउ प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड. आपको बताना है कि सीड से प्लांट कैसे ग्रो करता है, कैसे उगता है, उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है. यहाँ पे फर्स्ट आपका वार्म अप है. यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है, उन पिक्चर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है एंड देन उसके यहाँ पे नाम है. जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पिक्चर है गाजर का, उसको आप क्या बोलते हो, कैरोट. सेकेंड है शलजम, पालक, टमेटो, कॉलीफ्लावर, रेडिश, ठीक है. तो आपको यहाँ पे इसके नाम लिखने हैं, आइडेंटिफाई करना है. ओके, सो यहाँ पे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. जैसे कि हमारी बॉडी में वेरियस पार्ट्स होते हैं, लेग होते हैं, हैंड होते हैं, आर्म्स होती है, हेड होता है ना, स्टमक होता है, लंग्स होते हैं, उस आइज होता है, ईयर्स होती हैं, उसी टाइप से प्लांट के भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है. जैसे कि जो हमारी बॉडी में आइज, ईयर्स, इन सब के फंक्शंस होते हैं ना, जैसे आइज देखने में यूज़ की जाती है, ईयर्स सुनने में यूज़ किया जाता है, उसी टाइप से प्लांट के भी डिफरेंट बॉडी फंक्शंस होते हैं. प्लांट के फंक्शंस, प्लांट के पार्ट्स क्या हो गए, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, बर्ड्स, वेयर ईच ऑफ द पार्ट हेल्प टू कीप एट लाइफ. इन सब के पार्ट, इन सब पार्ट्स की वजह से ही प्लांट सर्वाइव कर पाता है. और इन सब के रोल क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे. अब देखो यहाँ पे एक येलो बॉक्स में आपको डिटेल दी गई है और यहाँ पे एक प्लांट का स्ट्रक्चर दिया गया है जिसमें उसके पार्ट शो किए गए. आपको यहाँ पे नीचे अंडर रूट दिख रही है, ये हो गया रूट, ये हो गए ग्रीन कलर के स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स, ये हो गए आपके पार्ट्स एंड इट्स प्लांट एंड इट्स पार्ट. अब यहाँ पे आपको देखो क्या दे रखा है, प्लांट को 2 मेन पार्ट में डिवाइड करा गया है. एक तो रूट सिस्टम, एक शूट सिस्टम. दो पार्ट, प्लांट को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, रूट और शूट. कितने में, रूट और शूट, ठीक है. द रूट सिस्टम लाइज बिलो द ग्राउंड वेयर द शूट सिस्टम मूव फ्रीली इन द एयर. क्या है, जो रूट होती है उसको ग्राउंड के, जमीन के अंदर रखा गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, और जो शूट होती है उसको एयर में फ्रीली एटमोसफेयर में मूव करने के लिए छोड़ दिया गया है, ठीक है. तो यहाँ पे ये प्लांट्स के पार्ट्स जो मेन पार्ट्स में डिवाइड करा गया है वो है रूट और शूट. अब हम रूट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे. दिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ अ प्लांट. ये प्लांट का निचला भाग होता है जो जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर रहता है, ठीक है. अब दे एंचर द प्लांट बाय फ्रेमली फिक्सिंग देम टू सॉइल. ये सॉइल के अंदर प्लांट को फिक्स करने में, मजबूत करने में, प्लांट को टिकने में हेल्प करता है. इन दिस वे दे नॉट ओनली प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्टेम बट ऑल्सो पुट अ कंट्रोल ओवरऑल सॉइल इरोजन. ये सिर्फ स्टेम को सपोर्ट नहीं करता है, ये ओवरऑल सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करने का काम करता है. दे इनेबल्स प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ये क्या करता है, प्लांट्स के लिए वाटर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जो भी चाहिए रहते हैं उसको सॉइल से एब्जॉर्ब करता है. द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड वाटर बाय रूट्स एंड देन यूज्ड बाय द रेस्ट ऑफ द प्लांट. रूट क्या करती है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, उस रूट के जरिए पूरे प्लांट में वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स सप्लाई होता है, ठीक है. थर्ड यहाँ पे आ गया आपका, थर्ड पॉइंट यहाँ पे है, दे ऑल्सो स्टोर फूड. फॉर एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश, बीटरूट, फर्नी, वी ईट सच रूट. बहुत सारी ऐसी रूट्स होती हैं जिन्हें हम खाते हैं, जिन्हें हम ईट करते हैं. एग्जाम्पल क्या, कैरेट एक रूट है, रेडिश एक रूट है, बीटरूट मतलब चकुंदर,
ठीक है, ये सब हम खाते, इन रूट्स को हम खाते, ठीक है। अब यहाँ पे रूट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, टैप रूट एंड फाइब्रियस रूट। टैप रूट क्या होती है देखो, इन द टैप रूट सिस्टम अ लार्ज टैपरिंग मेन रूट ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड इन द सॉइल, अदर रूट्स स्प्राउट लेटरली फ्रॉम इट, बीट रूट, कैरोट, टर्निप फॉर एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट। फ्यू अदर एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट आर द प्लांट ऑफ रोज, मैंगोज एंड ब्रिंजल। इसकी जो देखो, जो टैप रूट होती है ना, वो प्लांट में इस तरीके से सीधी अंदर ही अंदर फैली हुई होती है, ठीक है, लंबी लंबी जाती है वो सॉइल के अंदर, लंबी लंबी जाती है, ऐसी फैली हुई नहीं रहती है, ठीक है, ये पूरी सीधी सीधी फैली हुई रहती है, इसको बोलते हैं आप टैप रूट, ज़्यादा फैली हुई नहीं रहती, ठीक है, इसको बोलते हैं टैप रूट। और इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आ गया आपका, गाजर आ गई, बीट रूट आ गया, चुकंदर आ गया, रेडिश आ गई, ये सब किसके एग्जाम्पल है, टैप रूट के एग्जाम्पल है। अब जो फाइब्रियस रूट होती है ना, वो जमीन के अंदर ऐसी फैली हुई रहती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टैप रूट कैसे फैली हुई है, ये होगी आपकी टैप रूट। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक, फाइन हेयर लाइक ब्रांचेस रूट के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है ग्रासेस, वीट, राइस, मैरीगोल्ड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फाइब्रियस रूट। यहाँ पे आपका चेक पॉइंट आ गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। रूट्स प्रिवेंट सॉइल बाइंडिंग, सॉइल इरोजन, सॉइल फॉर्मेशन, ऑब्वियसली सॉइल इरोजन, क्या आएगा यहाँ पे, सॉइल इरोजन। मैंगो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मैंगो किसका एग्जाम्पल है, टैप रूट का, फाइब्रियस रूट का, किसका एग्जाम्पल है मैंगो, मैंगो किसका एग्जाम्पल, टैप रूट का, ठीक है। लीव्स फ्लावर रूट्स हेल्प द प्लांट इन फर्मली फिक्सिंग इन द सॉइल, कौन है सॉइल में फिक्स कौन करते हैं, रूट्स करती है। तो यहाँ पे आपका आगे आपका चेक पॉइंट सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शूट के बारे में पढ़ेंगे, हमने रूट के बारे में पढ़ लिया, ग्राउंड के अंदर की जमीन के अंदर जो भी रूट होती है उसके बारे में पढ़ लिया। रूट कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, फाइब्रियस रूट, टैप रूट, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में शूट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। शूट के में आगे आपका स्टेम आ गई, स्टेम के बाद आपका लीफ आ गया, पार्ट्स ऑफ लीफ है यहाँ पे दे रखा है, फंक्शंस ऑफ अ लीफ है, ठीक है। उसके बाद फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड, ये सब क्या आ गया आपका, शूट पार्ट हो गया। तो हम इसको हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इतना चैप्टर समझ में आया हो। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, साइंस के एक नए टॉपिक के साथ, ओके। अगर आपको कुछ भी चैप्टर से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर।